गोला पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले शातिर वाहन चोर गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से पुलिस ने चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद की है, जिसके संबंध में SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गोला थाना क्षेत्र के गोपालपुर चौराहे के समीप उर्वा बाजार रोड से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान भोलू गौड़ पुत्र लालदेव गौड़ निवासी बेलपार थाना गोला, दिनेश कुमार वर्मा उर्फ छोटू वर्मा पुत्र हरीश चंद्र वर्मा निवासी सिसई थाना गोला तथा दुर्गेश पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी खुर्द कोनी थाना गोला के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद किया है। SP साउथ ने बताया कि 3 अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में गोला थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार, उप निरीक्षक दिनेश कुमार चौधरी, जयराम यादव, धर्मवीर सिंह, हेड कांस्टेबल मुन्ना लाल यादव, कांस्टेबल प्रशांत यादव, प्रदीप कुमार राय, संदीप कुमार यादव, उपेंद्र यादव सहित विनोद यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना क्षेत्र गोला में आज पुलिस को एक सफलता मिली है। प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में उन्होंने वाहन चोरों का एक गैंग पकड़ा है, जिसमें 3 आदमी गिरफ्तार किए गए। इनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। 2 मोटरसाइकिलें थाना गोला क्षेत्र से ही चोरी में गई हैं, जो इस मुकदमे से जुड़ चुकी हैं। 3 मोटरसाइकिलें कहाँ की हैं, इसके बारे में भी पुलिस छानबीन कर रही है। गिरफ्तार 3 अभियुक्तों को भोलू गौड़, दिनेश कुमार वर्मा और दुर्गेश को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहाँ से जुडिशियल कस्टडी में उन्हें माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेजा जाएगा। विवेचना से इस पूरे गैंग में और कौन जुड़े हैं, ये मोटरसाइकिलें कहाँ कहाँ की हैं, इन सब का पर्दाफाश करके आगे की कार्यवाही की जाएगी।